कॉलेज हो, प्रिंट हो, रिपोर्टर हो, किसी भी तरीके के सभी रिपोर्टर एंड कैमरामैन और इसमें उपस्थित सभी हमारे मेहमान, नेवल इंडियन सोशल कमांड दल के सभी पदाधिकारी, दिल्ली की टीम, सभी लोगों को एनडीए की प्रचंड बहुमत दिलाने में सभी का जो सहयोग रहा है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज का पत्रकार वार्ता का मुख्य विषय है कि हमने 2 साल पहले हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे। 2017 में मैं अलग चुनाव लड़ा था। 2 साल कोरोना था, 6 महीने के बाद जो हमें काम करने का अवसर मिला उसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, एनडीए ने जो जिम्मेदारी दी थी, मैंने एक जिम्मेदारी दी थी कि 160 सीटें मछुआ बाउल है, उसमें जरूर विजय प्रताप का लहरा कर दिखाऊंगा। तो ज्यादातर सीटों पर मैंने कहीं भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह, कहीं भोजन भरी थाली निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह और कहीं कप प्लेट को हम जिताने में सफल रहे हैं। उस सफलता को प्राप्त करने में हम अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हों, चाहे निषाद पार्टी के हों, चाहे अपना दल के हों, जिन जिन लोगों ने उसे दिया उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मैं निवेदन किया था कि हम आप बड़े भाई मैं छोटे भाई हूँ। कभी राम ने गले लगाया था निषाद राज को तो उन्होंने हमें बड़ी शांति आई, हमें आप बड़े भाई की हैसियत से गले लगाए हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथ साथ और प्रदेशों में भी शांति आएगी। निषाद राज ने अपनी सेना देकर भगवान राम से ही कहा था, हे राम, ये देश में 2 तरह का राज चल रहा है, एक रावण राज, एक राम राज। राम राज की प्रजा सुखी है, रावण राज की प्रजा बहुत दुखी है। मेरी सेना लीजिए और इस रावण राज को खत्म करके राम राज लाइए। और उसमें भगवान राम ने निश्चित रूप से उस रावण राज को खत्म करके राम राज स्थापित किया। त्रेता से अब तक चला आया था। लोकतंत्र में कहा गया कि पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द गॉड पावर और एवरी प्रॉब्लम सॉल्वर द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने भी कहा कि निषाद राज की जो सेना है, हम 578 जातियों में बटे हुए हैं। कभी भगवान राम को हम लोगों ने पार किया था और हम लोगों ने इस देश के राष्ट्रभक्त के नाते मुगलों और अंग्रेजों को भी मौत के घाट उतारा था। उन्होंने कानून बनाकर हमें उजाड़ा था और रावण राज रूपी सरकार ने 70 साल से उजड़े हुए परिवार को और कानून से उजाड़ने का काम किया था। मेरी सेना लीजिए और उत्तर प्रदेश में बचे खुचे जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो रावण राज चलाने वाले लोग हैं, शक्तियाँ, उन्हें खत्म कर दिया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, उत्तर प्रदेश के प्रभारी सुनील बंसल जी को, वीर संतोष जी को और तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को कि अपनी पार्टी के जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर निषाद पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी थे वो जो भोजन भरी थाली से लड़े हों, चाहे कमल चुनाव से लड़े हों, तन मन धन से बेहतर ढंग से उन लोगों ने एक तो रैलियां की बड़ी बड़ी खर्चे उठाए। उस रैलियों में अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया, निषाद पार्टी और अपना दल के लोगों का सहयोग लिया और अपनी पूरी मिशनरी जो उनके मिशन है, जो प्लेटफॉर्म है भारतीय जनता पार्टी का, उसी निषाद पार्टी को साथ में लेकर चुनाव जीतने के लिए, जिताने के लिए जो मैंने सीटें ली थी, हमें 16 सीटें मिली थी,
उसमें से 9 सीटें ऐसी थी जिसमें 20 साल 30 साल से लोग पांव जमाए थे। वो कहते थे कि हमारी पपौती है, यहाँ हमारे नाम से रजिस्ट्री है, कोई नहीं हरा सकता। और तरह तरह के वो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को खुश रखते थे, बाकी वोटों को उपेक्षित रखते थे। ऐसे 9 सीट को हमें में से 8 सीट को उसे जिताने में और 3 सीट और जिताने में हमें कामयाबी मिली। 11 सीटें हमें इस 9 सीटें ऐसी हुई थी कि जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी वहाँ उस जगह पर लूज हो गई थी, नहीं जीत पाई थी। लेकिन निषाद पार्टी की सेना, भारतीय जनता पार्टी की सेना उसे सीट को जिताकर एक इतिहास बनाया। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति को, धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल प्रबंधन का, माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सुशासन था उसको हम लोग धरातल पर उतारे। और हर एक जाति और हर एक धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग, मुसलमान तो ये कहता था ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, उसके सलाह से हमारे घर पर भोजन आ रहा, हमारे भी बच्चों का इलाज हो जा रहा, मैं तड़प के मर जाता था, हमारे भी खाते में पैसा आ रहा है, हम भी खुश हैं, हम भी किसान हैं, हमारी जो बीवी है उसके नाम से योजना आ रहा, मतलब मुसलमान भी कहता कि बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी हमें अवसरों योजनाओं का लाभ दे रही है। सभी जाति के लोग जो 30 साल से उत्तर प्रदेश में उपेक्षित थे कि हाथी और साइकिल जीतती थी, तो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को ध्यान में रखते उन्हें इज्जत देती थी, उन्हें न्याय सुरक्षा देने का काम करती थी, बजट भी स्पेशल उनके लिए देती थी, बिजली देती थी। लेकिन बाकी जातियों के लिए उपेक्षित भाव से रखती थी। सारी जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी कुछ कल्याणकारी, जो अन्नदाता कल्याणकारी योजना थी, सम्मान निधि थी किसान, जो उनकी उज्ज्वला योजना थी, जो उनके आयुष्मान भारत कार्ड थे, उससे ऊंचे वर्ग के लोग, धनी लोग भी खुश थे कि कभी गरीब, वो ये लोग कहते थे कि देश का अनाज गरीबों, कि देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा और गांव का गरीब मर रहा है, ऐसी नींव बनाई कि गांव के गरीबों की थाली में जो हमारे चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली वो खाली थी। और मोदी जी ने सभी, पहले खाना पूर्ति होता था, मतलब अनाज बटते थे गरीबों के, लेकिन वो खाना पूर्ति होता था, गेहूँ दे दो चावल दे दो, मतलब वो, लेकिन पूरा खाना मोदी जी ने दिया। इस योजनाओं को लोगों ने सराहा, बड़े अमीर लोगों ने भी कहा भाई देखिए मोदी जी के आने से, पहले गरीब 12 बजे रात को जाता था, मेरा बेटा तड़प रहा बीमारी से, पैसा नहीं है, तो अमीर आदमी से पैसा लेके इलाज कराता था। ऐसी परिस्थितियों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति थी, अमित शाह जी का जो प्रबंधन था, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व में पूरी इस योजनाओं को धरातल पर लाया गया, मैं आज के दिन में उन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनका आज के दिन में आभार भी प्रकट करता हूँ। प्रमुख रहा कि भारतीय जनता पार्टी हम सहयोगी दल हैं, हम उनके लिए सहयोग के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के साथ आगे 2024 में फिर केंद्र की सरकार का चुनाव है, अभी और भी जितने चुनाव होंगे, हम लोग जिस तरीके से हमारे खून में हम लोगों की वंशावली में है कि किस तरीके से राम की मदद, भगवान राम की मदद निषाद राज ने की थी, और वह प्यार और स्नेह जो भगवान राम ने दिया था, तो मैं उसी मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। और निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय मोदी जी अमित शाह जी के और उनके ढेर सारे जो प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं विशेष आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जो कहा, जैसे जैसे
इस तरीके से कहा, सुझाव दिया, टिकट के बंटवारे में हो चाहे प्रत्याशियों के चयन में हो, उन्होंने कहा भी अच्छी छवि के लोग रहेंगे तो आपकी छवि बढ़ेगी, समाज में अच्छी छवि हो, जनता में अच्छी छवि के प्रत्याशी को जताओ, बढ़ाओ, अच्छी छवि पसंद हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के, तो जीत होगी। मैं उनके उस सुझाव को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों ने कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अपना दल के पदाधिकारियों के जो उनके मतलब पसंद थे और अच्छी छवि जनता में थी उन्हें हमने वोट दिया। और 11 सीटें जिसमें से 6 सीटें हमें भोजन भरी थाली से जीतने में हमें सफलता मिली और 5 सीटें कमल चुनाव चिन्ह पर, क्योंकि हम कुछ ऐसे रावण रूपी जो प्रतिनिधि बन के जनता का शोषण कर रहे थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे और वहां की जनता त्राही त्राही मची थी, उनको हटाने के लिए हमें मजबूत एक हथियार की जरूरत थी और कमल चुनाव चिन्ह वहाँ मजबूत हथियार नजर आया। तो हम दोनों आदमी ने मिल के कहा कौन लड़ेगा, उन लोगों ने दोनों आदमी ने तय किया और 5 चुनाव चिन्ह कमल चुनाव चिन्ह से हमारे लोग जीते। यहाँ मौके पर हमारे, क्योंकि अचानक हमें आना हुआ, तो हमारे 4 विधायक यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हमारे राकेश श्रीवास्तव जी हैं, राकेश श्रीवास्तव जी हैं क्वांटम कंपनी हैं, इनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरे इस नीतियों को, डॉक्टर संजय की विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और इस चुनाव में जो संदेश देना था उसने अपने प्लेटफॉर्म पर आईटी क्वांटम की उस अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनी है कम से कम एक दिन में 40-40 लाख लोगों तक पहुंचाते थे और 20-22 लाख तो उसके व्यूअर होते थे। इनको विशेष आभार प्रकट करता हूँ हमारे इस जीत के लिए। हमारे बीच में राजबाबू उपाध्याय हमारे पार्टी के विशेष सहयोगी शुरू से रहे हैं, इन्होंने सुल्तानपुर जैसीपुर सदस्य जीता। एक केतकी सिंह है जो समाजवादी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी जो लगभग 25 सालों से थे, ये 2 बार से हारती थी, एक बार हमसे मिलने आए 7 महीने पहले कि आप साहब की मदद की जरूरत है और मैं हार रही हूँ और आपकी पार्टी के लोग वहाँ हैं, आप चाहें तो मैं विधायक बन जाऊँगा। हमने कहा सेवा की भाव रखो, मन में अगर सेवा की भाव रखोगे तो हम सामाजिक समरसता कायम करने के लिए पैदा हुए हैं, हम समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते, उसके लिए मैं जेल भी गया हूँ, आंदोलन किया हूँ, बहुत पूरा सब कुछ मैंने पढ़ाई छोड़कर अपने व्यवसाय छोड़कर इस क्षेत्र में आया हूँ। तो अगर आप महिला हो के आ गई हो तो मेरे इस पार्टी में एक महिला कैंडिडेट भी जीत के जाएगी, मैं आपको वादा करता हूँ। तो मैंने अपने उस 15 सीट में इन्हें जिताया, लड़ाया और खुद बहुत ही मतलब कहिए कि बड़े बड़े बाहुबली के बीच में, वहाँ कई बाहुबली लड़ रहे थे, पैसे वाले लड़ रहे थे, इन्होंने एक इतिहास बनाया हमारे दैन्य, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मैडम हैं और मेलावल से अनिल त्रिपाठी जी हैं, जहाँ एक इतिहास है 2019 में प्रवीण निषाद को जिताने के लिए हमारे साथ आए थे, बहुजन समाज पार्टी में पहले थे, दोबारा आ गए और भोजन भरी थाली से इन्होंने चुनाव लड़कर जीता है। सरवन निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के प्रभारी हैं, निषाद पार्टी के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नहीं मेरी पार्टी से भी एक जाना चाहिए युवा, हमारे लोगों का पसंद है, भले आपके बेटे हैं, नहीं इन्हें लड़ाया जा, तो इन्हें भी इन लोगों ने ऐतिहासिक रूप से चौरी चौरा के ऐतिहासिक दर्ज दिया। बस अंतिम लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जो अपने पुराने सहयोगी रहे हैं उनको जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया है, हमें उम्मीद है, हमारे कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, उसी तरीके से हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है और ऐसे ऐसे सीधे जीते हैं। तो आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी।
हमारे समाज के हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप इन लोगों की बड़ी तमन्ना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गले लगाई है बड़े भाई की भूमिका में, तो हम लोगों ने छोटे भाई की भूमिका में उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम शीर्ष नेतृत्व दिल्ली उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ ने, दिल्ली के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर हमने छोड़ रखा है कि बड़ा भाई जो भी देगा स्वीकार छोटा भाई है। हम लोग चाहते हैं कि आगे इस तरीके से हम लोगों का सामंजस्य और प्रेम है, जिस तरीके से हम लोग एक शक्ति के रूप में 2022 के चुनाव में ऐतिहासिक रूप से जो कुछ लोग थे तथाकथित पिछड़ों के नेता बनते थे, उसमें लोग कहते थे हम पिछड़े नेता हैं, नहीं वो है पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को जो उन्होंने पिछड़ों वर्ग के हितों के लिए, रक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, बच्चों की शिक्षा में उन्होंने रिजर्वेशन दिया, जो पिछड़ों के लिए जो संवैधानिक सुरक्षा था नहीं नरेंद्र मोदी जी ने दिया, पिछड़ों के नेताओं के उस तथाकथित जो नेता थे उसमें डॉक्टर संजय अनुप्रिया पटेल दोनों खड़ी रहीं, पिछड़ों ने हम लोगों के साथ विश्वास किया और पिछड़ों के सभी वर्ग के लोगों को धन्यवाद देना, उन्होंने ऐतिहासिक मत देकर महिलाओं को विशेष विशेष धन्यवाद है कि जो वोटिंग हुई है सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। तो माननीय नरेंद्र मोदी की उस नीतियों को, अमित शाह जी के उस प्रबंधन को, जेपी नड्डा जी के उस कुशल नेतृत्व में और माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन में उस नीतियों पर विश्वास किया महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने, नौजवानों ने, हर जात के धर्म के लोगों ने देकर जिताया है, मैं उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक वादा है भारतीय जनता पार्टी से हम बने हैं कि जो इस देश में बदले कुचले हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, जिन्होंने अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था और सपा बसपा कांग्रेस ने भी उन्हें सताया था, उन्हें कानून में सुरक्षा दी जाए, उन्हें संविधान के अंतर्गत मिलने वाले जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें देकर उन्हें सम्मानित किया जाए, यही हम लोगों की इच्छाएं हैं। उनके हक हिस्से मिलने, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं हम लोग, उसे पूरा करने में कामयाब होता है भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे। एक बात का और धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, इस बार पूरे प्रदेश में जो टिकट का बंटवारा हुआ था, उत्तर प्रदेश की कोई जाति नहीं कह सकती है कि हमें विधानसभा में पहुंचाने के लिए टिकट नहीं दिया। लगभग सभी जातियों के, चाहे दलित हों, वर्ग हों, चाहे पिछड़े वर्ग हों, चाहे हर जाति के लोगों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के टिकट बंटवारे में किया। इसके लिए और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। इस बार जिताया भी हमारे मछुआ समुदाय के लोगों के, जितनी विभिन्न जातियाँ थी उसमें 17 लोगों को टिकट दिया था, 3 हमने अपने पास से दिया। मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि 15-16 सीट में 3 निषाद हम लड़ाए और तीनों जीता के लेके आए। दिल्ली की टीम को बधाई देता हूँ, दिल्ली के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार मीडिया बंधुओं के बीच में, कि दिल्ली जो हमारा कमेटी, दिल्ली प्रदेश की कमेटी है निषाद पार्टी की, निर्वली में शोषित हमारा अंदर, ये लोग अपना व्यवसाय छोड़कर, अपने काम धंधे छोड़कर लगभग 1 महीने के लिए कैंपेनिंग किया। मैं विशेष आभार और धन्यवाद देता हूँ। और आप पत्रकार बंधुओं का जो सहयोग रहा है, जो हमें एक छोटे से परिवार में जन्मे, एक मछुआ समुदाय में जन्मे बेटे को आप लोगों ने इस तरीके से किसी मोड़ पर रहा, आप लोगों ने हमारी आवाज़ को, हमारे समाज के दर्द को, कभी समाजवादी पार्टी हमारे ऊपर गोली चलवाती रही हो, फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लिखवाती रही हो, हमारे समाज के साथ अन्याय करती रही हो, बसपा हमारे समाज के हर हिस्से को जो हमारे रोजी रोटी छीनती रही, उस आवाज़ को आप लोगों ने इस स्तर तक दिया कि मोदी जी ने गले लगाया, एक इतिहास रचाया, हमारे समाज के लोग उसको लेकर बहुत गौरवान्वित होते हैं। कभी राम ने गले लगाया था, कभी इस देश के प्रधानमंत्री गले लगाकर बात करते, जब भी मिलते रहे प्रधानमंत्री जी मंच पर, तो निश्चित रूप से एक बार निषाद जी कहकर हाल चाल जरूर पूछते थे कि कैसा चुनाव चल रहा है, जमीन पर कैसा चल रहा है। मैंने कहा सभी लोग आपका नाम ले रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी, ये दो नाम लेकर हमें, हमारे इस युग के भगवान हैं, हमारे दर्द में काम आ रहा है। तो
इसमें मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हम लोग अभी 13 जून 2013 को हम संकल्प लिए, 2016 में पार्टी बनाए, बेशक हम 40 सालों से सोशल वर्क करते रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से हम 2013 से आए। इस 7 साल के सफर में हमें जो आपने मीडिया ने हमें ऊंचाई दी है, मीडिया बंधुओं ने जो हमें प्यार और स्नेह दिया है, और हमारे कार्यकर्ता और जनताओं जनता ने भी हमें बहुत प्यार और स्नेह दिया है, हमारे इस विचार को सराहा है, जन जन तक पहुँचाया। और मेरा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नेचुरल अलायंस हुआ कि उनकी भी एक सोच थी कि अंत्योदय जो निचले पावदान पर रहने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से कोसों दूर हैं, उन्हें मिले, तो उस निर्बलों को सबल बनाने के लिए निर्बली मेल सोसाइटी हमारा अमल में गठन किया गया है। तो हमारी इस पार्टी के उद्देश्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मूल मंत्र माना है, तो हम दोनों आदमी मिलकर इसमें कामयाब हो रहे हैं। धीरे धीरे जनता ने विश्वास प्रकट किया, 2022 के चुनाव को मत देकर, ऐतिहासिक मत देकर, ऐतिहासिक मत देकर, प्रचंड जीत देकर सभी विरोधी ताकतों को उन्होंने चुप करा दिया और नीतियों को सराहा और गठबंधन को किसान पार्टी अपना दल और भारतीय जनता पार्टी की नीति को सराहा है। ऐसे में मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इससे पहले मैं और राज्यों में चुनाव लड़ चुका हूँ, छत्तीसगढ़ लड़ चुका हूँ, मध्य प्रदेश लड़ चुका हूँ, अच्छे खासे वोट पे झारखंड कर रहा हूँ, मैंने महाराष्ट्र, तो जहाँ जहाँ भी 2024 में पूरे देश में बता रहा हूँ, मोदी जी ने गले लगाया है ना, अमित शाह जी, नड्डा साहब ने गले लगाया है कि पूरे देश में 2024 में फिर इतिहास बनाकर निषाद पार्टी दिखाएगी, ये हमारा पूरा। हम पूरे देश में, हमें पता है कि राम ने कभी, राम को निषाद राज ने सेना इसलिए दी थी कि रावण राज खत्म हो जाए, तो मैंने जो निषाद राज की सेना है बनाई है, कई प्रदेशों में बनाई है, लगभग 20 राज्यों में है, तो मैंने 20 राज्यों की सेना मोदी जी को दी है, पूरे 20 राज्यों में रावण राज खत्म हो जाए, राम राज आ जाए, राम राज का मतलब सभी प्रजा। चार सौ तीन पर लड़ रहे थे भाजपा साथ पार्टी अपना दल मिला, तो जब 17 सीटें हमने भाजपा में दिला दी तो एक बैलेंस है ना जातियों का, 17 और 3 कितना हो गए, 20 हो गए, इतनी सीटें कम थोड़ी मेरे समझ, समाज संतुष्ट है ना। आज के दिन में हम निर्बल इस पार्टी का नाम निषाद पार्टी 60 में है, इसका नाम है निर्बल इंडियन सोसाइटी। अब निर्बल क्या मतलब, महिला भी निर्बल है, हर जाति में जो निर्बल है उनके लिए काम किया गया, इसलिए हमारे पास देखे होंगे कि पैसे वाले सब हार गए, पैसे वाले जितने बाहुबली थे सपा बसपा में सब हार गए, हमारे लोग इसी तरीके से कार्यकर्ता सूखी रोटी खाकर गाँव में बैठ कर बिताया है, इतिहास बनाया है, इसलिए निषादों को भी सम्मान मिला, दूसरे जातियों को भी सम्मान मिला, और जातियों को भी सम्मान देने का काम निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी। दो हजार सत्रह में 333 पार्टियां चुनाव लड़ी थी, निषाद पार्टी 5वें नंबर पर आई, और 5 साल बाद मैं एक सीट जीता था, एक 2017 में, 5 साल बाद मैं 11 बगल में एक लग गया, 11 सीट हो गया, और तब मैं 2017 में 5वें नंबर पर आया था, अभी मैं देख लो कि मैं 3रे नंबर पर आ गया, तो ये इतिहास है हमारे समाज का। ये काम जो मैं वकील हूँ, समाज ने हमें वकील किया है, मेरा संघर्ष समाज देखता है, मैंने अपने समाज के लिए पूरा जीवन दे दिया हूँ, पूरा एक एक खून का कतरा दिया हूँ, उनके लिए जेल गया हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ा हूँ, किसी महिला बेटी के साथ इज्जत होती है तो मैं सीधे पहुँचता हूँ और SSP को ऐसे बैठाता हूँ कि जब तक अपराधी जेल नहीं जाएंगे तो उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और जेल भिजवा कर दिखाया हूँ, इसलिए देश हमारा सम्मान करता है। चलो, मेरे समाज के प्रत्याशी जीते हुए,
देखिए, समाज तो चाहता ही हमारा, मेरा नेता हम लोगों की मेहनत है, हमें निश्चित रूप से उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैंने डॉक्टर संजय ने विचार पार्टी की कोर कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास किया है और उसके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके भरोसे छोड़ रखा है। वो जो भी जैसा उचित समझेंगे, उन्होंने लायक समझा गठबंधन किया, लायक समझा हमें 16 सीटें दिया, लायक समझा हमारी सीटों पर मदद करके 11 सीटें जीता कर ले आए। तो जिस लायक समझेंगे उस लायक को जिम्मेदारी देंगे, हम उसे निर्माण करने का काम करें। मैं तो उम्मीद रखता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, कि हमारे साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है उनका समावेश करना, उनको साथ लेकर चलना, शासन और प्रशासन में हर जगह उनको उचित सम्मान देकर आगे बढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है और हमारे कार्यकर्ताओं का मान। ये भारतीय जनता पार्टी है, मेरा समाज तो चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो हम तो निषाद राज के बेटे हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और मोदी जी ने गले लगाया है जो सम्मान देंगे हमें मंजूर। देखिए, हम ही लोगों ने, मेरा समाज रहा है, देश को आजाद कराया। 18% आबादी है, हमें टुकड़े टुकड़े में बांट दिया था, झोरे झोरे में बांट दिया था, इनके ऊपर पौआ का लेवी लगा दिया था, पौआ पिएंगे, पैसा वोट दे देंगे, पैसा ले लेंगे वोट दे देंगे। एक गौरवशाली इतिहास रहा मेरा, एक हम ऐतिहासिक पुरुष के वंशज हैं निषाद राज के। हमारे ऊपर इतना खराब तरीका, उन्होंने उनको पॉलिटिकली बेहोश कर दिया था। हम लोग 13 किताबें लिखी, निषाद राज के किले पर ले जाकर इनको सेंटर दिलाया, इनको एक सेना बनाई, मैंने प्रोग्राम बनाई, ट्रीट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, हमने प्रोग्राम बनाया, रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, टीच द वोटर, कास्ट द वोटर। ये जो वोटर बेहोश है उसे होश में लाओ, जोश में लाओ, सही बात पढ़ाओ, सही जगह वोट लगाओ। तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की गलत नीतियों के नाते 17 फरवरी 2014 को मैं एक आंदोलन किया, उसमें हमारे लोगों ने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस क्योंकि उन्होंने हमारी फाइल को गायब कराया। अच्छा, उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल वोट बैंक को सहारा, जो लोग जिताते थे कांग्रेस को उन्हें उपेक्षित रखते थे और ऊपर चंगो मंगो को पावर दे देते थे, बाकी पाँव में रखते थे, छोड़ दिया। सपा बसपा भी यही काम किया, सपा ने हमारे ऊपर, हम लोग अपनी मांग रख रहे थे, कभी गुर्जर आंदोलन चल रहा था राजस्थान में, एक महीने में पटरी उखाड़ दी गई, तभी भाजपा सरकार थी, डंडे नहीं था, हमारे लोग 1 घंटे रेल पर बैठे, गोली मार दी, एक भाई मारा गया, हमें मारने का प्रयास किया गया, फर्जी 302 का मुकदमा लगा दिया, अधिकारियों ने लगा दिया। तो जो सरकार अधिकारी को बचाती हो और जिसके पास वोट बैंक हो उसे सताती हो, तो मेरा समाज साइकिल को बटन छूना बंद कर दिया, साइकिल टूट के पंचर हो गई। हाथी जो थी हमारे आरक्षण को विरोध करती रही, गद्दी पर बैठते बहुजन समाज पार्टी ने इनके जो ट्रेडिशनल थे, इनके रोजी रोटी थे, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया था, इनके जो रोजी रोटी था, इनका जो ताल घाट नदी था, बर्फ की जमीन था, उसे छीन लिया। मतलब अधिकारियों ने जो कहा वो काम सपा ने किया, अधिकारियों ने जो कहा वो काम बसपा ने किया, कांग्रेस ने किया। तो अधिकारी तो मांगने नहीं जाएंगे ना। तो जो इस वोट बैंक के साथ अन्याय किया हो, तो मोदी जी ने न्याय किया, इसलिए उनके साथ आ गए, इसलिए सपा बसपा की कलह निहार है। और इस तरीके का काम उन लोगों ने किया है, इसकी सजा वो भोगेंगे। मोदी जी ने ऐसा काम किया है, इसलिए इस देश की जनता उन्हें गले लगा रही है। मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि सबको कैसा वातावरण रहता था उनके समय, आप जानते हो कि हमारे लोग नदियों के किनारे हैं, नदियों के किनारे सारे शहर हैं, कैसे घूमाफिया इनकी जमीन हड़पते थे, किस तरीके से इनके साथ अन्याय होते थे, ये लोग मार भी खाते थे, थाने में चले जाते थे। उसका कारण है उनके सपा बसपा का हारने का, कि जो जातियां और हैं उत्तर प्रदेश में, वो कभी किसी विभाग में जाती थी तो खोजती थी कि कोई मेरा चपरासी मिल जाए, बाबू मिल जाए, तो हम लोग हाथ जोड़ कर चले अधिकारी से फरियाद करने। तो पता चला कि कुछ नहीं, एक ही मिलते थे, कि हाथी वाले मिलते थे, उनके साथ ही साइकिल वाले मिलते थे। तो कहते ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो अपने बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया, मोदी जी ने तो बिना भेदभाव के नौकरी दिया, बिना भेदभाव के सब कुछ दे रहे, इसमें
इसलिए बिना भेदभाव वाले पास चलो, इसलिए उस भेदभाव को खत्म करने के लिए जो मोदी जी ने कदम उठाए हुए हैं उसके लिए।